चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप भी LIC के एजेंट हैं तो आपको ये कैसे मालूम करना है, ये कैसे पता करना है कि अगर आप किसी भी पर्सन से पॉलिसी की बात करने वाले हैं तो ये क्लाइंट आपकी पॉलिसी लेगा या फिर नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि क्लाइंट से बात करते ही आपको मिल जाते हैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कस्टमर आपकी पॉलिसी नहीं लेने वाला है। तो फ्रेंड्स, कौन सी होते हैं वो बातें, आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी नए एजेंट के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है कोई भी पॉलिसी सेल करना। और फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिसी अगर आपको सेल करनी है तो सेल करने के लिए आपको लोगों से बातें करनी होगी। और फ्रेंड्स, लोगों को बातें करनी होंगी, उनको कन्वेंस करना होगा, काफ़ी सारे लोगों से मिलना होगा। तो फ्रेंड्स, इन बीच आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, क्या वो लोग सही लोग हैं, यानी कि जिन लोगों की आपको पॉलिसी करनी है क्या ये वही लोग हैं, या फिर पॉलिसी लेने वाले सिम्टम्स जो होते हैं वो इन लोगों में नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आज आपको 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको क्लाइंट से मिलने से जाने पहले ये 5 जो बातें हैं ये याद रखनी है। अगर आप इन बातों को याद रखते हैं तो आप अपने समय की बचत के साथ साथ और कस्टमर से मिल पाएंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा कि आप अपना समय भी बचा पाएंगे और आप लोगों को भी पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति आपसे पॉलिसी लेगा या फिर नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही 5 पॉइंट बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अगर यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉइंट के बारे में बताऊँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो भी कस्टमर है, कस्टमर का आपकी बातों में इंटरेस्ट ना दिखाना। सो फ्रेंड्स, आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टमर आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा? तो फ्रेंड्स, सपोज मान के चलते हैं कि आप किसी कस्टमर से मिलने गए हैं, किसी क्लाइंट से आपकी मीटिंग है, और जिस दौरान आप उसको प्लान समझा रहे हैं, प्लान के बारे में बता रहे हैं, उस टाइम या तो वो इधर उधर देख रहा है या फिर उसकी नज़र जो है आपकी तरफ नहीं है, उसका आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा या फिर वो बीच बीच में अपना फ़ोन देख रहा है, अपना फ़ोन चला रहा है, या फिर वो बीच बीच में कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ भी वो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा व्यक्ति आपसे बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि उसका आपको जो आपकी बातें हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर उसने आपको बुला तो लिया है मीटिंग के लिए, लेकिन उसका आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप किसी भी क्लाइंट से मिलने गए हैं और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि आप उससे थोड़ी देर और बातें करें, ना ही वो उसका आई कांटेक्ट वो करता है, ना ही वो आपकी बातों को गहराई से सुन रहा है, ना ही समझ रहा है, उसका ध्यान इधर उधर है, कहीं वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा है, कहीं वो अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा है, कहीं वो बार बार उठ के जा रहा है और वो प्रॉपरली आपकी बातें नहीं समझ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्लाइंट बिल्कुल भी आपकी पॉलिसी नहीं लेने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्लाइंट पर अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा लगा है कि ये क्लाइंट आपकी पॉलिसी नहीं लेगा तो आपको उस क्लाइंट को छोड़ देना है, उस क्लाइंट को भूल ही जाना है बिल्कुल, क्योंकि वो क्लाइंट आपकी पॉलिसी नहीं लेने वाला। जो आपकी बातों को ही ध्यान से नहीं सुन रहा तब वो आपकी पॉलिसी क्या लेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा पॉइंट ये होगा कि ऐसा क्लाइंट आपकी पॉलिसी को बिल्कुल भी नहीं लेगा। फ्रेंड्स, सेकंड हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि मीटिंग के दौरान क्लाइंट का अपने एजेंट से एक भी सवाल ना करना। यानी कि फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए, आपने उसको सारी बातें समझा दी, और फ्रेंड्स आपको जवाब में क्या मिलता है? सर, मैं सोच के बताऊंगा, या फिर सर मैं कल बताऊंगा, या फिर सर मैं परसों बताऊंगा, या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसने आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्लाइंट बिल्कुल भी आपकी पॉलिसी नहीं लेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको या मुझे कोई भी चीज़ लेनी होती है, कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, तो हम जब उस चीज़ को लेने जाते हैं तो उस चीज़ के बारे में 10 बार पूछते हैं। अगर आप फ़ोन लेने जाएंगे तो आप पूछेंगे कि इसकी गारंटी क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इसमें जो बैटरी है वो क्या है, इसका बैटरी बैकअप है, इसके अलावा इसका और भी चीज़ें रैम क्या है, आप सारी उसकी बातें, उसकी छानबीन करते हैं, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो चीज़ आपको लेनी है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है उसको वो चीज़ नहीं लेनी है तो वो उसके बारे में एक भी ना तो सवाल करेगा और ना ही आपको कोई और चीज़ उसके बारे में पूछेगा। आप जो भी बताते जाएंगे वो चुपचाप से सुन लेगा, जी सर करके वो
सारी बातें आपकी सुन लेगा, अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है, वो आपकी सारी बातों को सुन तो लेगा, लेकिन फ्रेंड्स वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसने आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा है। तो फ्रेंड्स किसी भी बातों को अगर हम समझते हैं तो हम उस बातों को समझने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं। अगर वो सवाल हमारे मन में नहीं आ रहे हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप उन बातों को गहराई से ना तो समझ रहे हैं, ना ही उसका आपकी पॉलिसी लेने में इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्लाइंट आपसे बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं लेगा। आपको ऐसे क्लाइंट के से भी उम्मीद करना बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद करने वाली बात होगी। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि पीछे पड़ना, यानी कि आपने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उस क्लाइंट को एक दिन बाद, दो दिन बाद फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उसको बार 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 इतना फ़ोन करते हैं कि वो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा यानी कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आपके कॉल से। तो वो अगर उसको प्लान लेना भी होता है तब भी वो आपसे प्लान नहीं लेगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं, जाने के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद उसको थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए, उसके बाद अगर आप एक दिन बाद, दो दिन बाद उसको कॉल करते हैं और अगर उधर से आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है, अगर पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है, अगर वो कहता है कि सर आप मुझे दो दिन बाद फ़ोन कीजिए, तो आप दो दिन बाद ही फ़ोन करें। ऐसा ना कि आप उसने दो दिन बाद बोला, आपने कल ही उसको फ़ोन कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उसने आपको दो दिन का टाइम बोला है, तीन दिन का, पाँच दिन का, तो आपको उतने दिन वेट करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। ऐसा करने से जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको ऐसा लग सकता है कि शायद उससे पॉलिसी लेने में एजेंट को कुछ ज़्यादा ही चीज़ ना मिल जाए उसकी पॉलिसी में से, तो वो आपसे पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसीलिए अगर आपने किसी भी क्लाइंट से मीटिंग की है तो उसके पीछे इतना ज़्यादा मत पड़ो कि वो फ्रस्ट्रेटेड होके अगर वो पॉलिसी लेने भी वाला हो तो वो आपसे पॉलिसी ना ले। और फ्रेंड्स ज़्यादा पीछे पड़ने पर यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है, अगर आपने किसी क्लाइंट को दो घंटे लगा दिए समझाने में, और समझाने के बाद दो दिन के बाद क्या हुआ कि आपने उसको कॉल पे कॉल इतना आपने उसको फ्रस्ट्रेटेड कर दिया कि उसने सोचा कि चलो यार इससे पॉलिसी ले ही लेता हूँ। उसने वो कहाँ लेने वाला था, वो 10 लाख रुपये जो 10 लाख की पॉलिसी लेने वाला क्लाइंट था, उसने 1 लाख या फिर 2 लाख की कहा कि चलो आप 2 लाख की पॉलिसी कर दो, और आप वहाँ से 2 लाख की पॉलिसी लेके खुशी खुशी आ गए। लेकिन इसमें क्या हुआ, आपका 8 लाख का लॉस हो गया, क्योंकि वो 10 लाख की पॉलिसी लेने वाला क्लाइंट था। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी से भी मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद आपको उस क्लाइंट को सोचने का टाइम देना। अगर आप, अगर उस क्लाइंट ने आपसे समय मांगा है कि आप उसको 2 दिन 5 दिन या फिर 10 दिन का टाइम दीजिए, तो आपको उतना ही वेट करना है, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जल्दबाजी दिखाने से आपका क्लाइंट बिगड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का भी काफ़ी सारा ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नेक्स्ट और चौथा पॉइंट है टालना, यानी कि आपने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद उसने आपको कहा कि आप 2 दिन या फिर 5 दिन बाद कॉल करना। अब जब आपने उसको कॉल किया तो वो कहता है कि सर अभी तो मेरे ये सिचुएशन है, अभी तो मैं पॉलिसी नहीं ले पाऊंगा, आप एक काम करना मुझे 1 महीने बाद कॉल करना। फिर आपने 1 महीने बाद कॉल की, फिर वो कहेगा कि इसकी तबीयत ख़राब है, मैं अभी पॉलिसी नहीं ले सकता, मुझे कुछ दिन का और टाइम दीजिए। जब आप कॉल करेंगे तब वो आपको कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, वो आपको टालेगा। तो फ्रेंड्स बहाने बनाने वाला क्लाइंट कभी भी आपकी पॉलिसी नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स आपको उसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना, आपको समझ जाना है कि हाँ ये आपको टाल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्लाइंट्स के पीछे भी आपको ज़्यादा अपना जो समय है उसको बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस क्लाइंट को, यानी कि उससे ऐसा भी नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल ही एंड कर देना है, हाँ आपको उससे कॉल करती रहनी है। जब भी वो आपको टाइम देता है तब तक आपको उसको कॉल करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको न्यू वर्क, नए क्लाइंट्स की तरफ भी जाना है। ऐसा नहीं कि उस आपको सिर्फ वो 5 क्लाइंट से अगर आपने मीटिंग किया तो आप 5 क्लाइंट के भरोसे ही बैठे कि इन 5 क्लाइंट से आपको 5 पॉलिसी मिल जाएंगी, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सबसे लास्ट और 5 यानी कि 5वां पॉइंट है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति से मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद आपने 1-2 बार कॉल की, उसके बाद उस क्लाइंट ने आपका फ़ोन उठाना छोड़ दिया, वो आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, अब आप क्या करोगे? दूसरे नंबर से फ़ोन करोगे, तीसरे नंबर से फ़ोन करोगे? लेकिन क्या होगा कि वो व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो अभी पॉलिसी नहीं लेना चाहता।
तो फ्रेंड्स आप उसको बदल बदल के नंबरों से फ़ोन मत करिए, आप अपने ही फ़ोन से फ़ोन करिए। अगर वो व्यक्ति आपके फ़ोन का जवाब नहीं देता है तो उसको मैसेज छोड़ दीजिए, और या फिर अगर आप उसको फ़ोन कर भी रहे हैं तो महीने में दो महीने में आप कर सकते हैं। ऐसे क्लाइंटों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, हो सकता है कि उसका कभी तो माइंड जो है बदलेगा, तो हो सकता है वो कभी आपसे पॉलिसी ले ले। लेकिन अगर वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो ये भी एक सिम्टम होता है कि वो आपसे पॉलिसी अभी नहीं लेना चाहता। तो फ्रेंड्स ऐसा क्लाइंट भी आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं। अगर क्लाइंट आपको टाल रहा है तो वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, अगर वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो भी वो आपसे पॉलिसी नहीं लेने वाला, अगर आप उसे मीटिंग करने गए थे और मीटिंग करने के टाइम पे वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा था, वो इधर उधर देख रहा था, कभी अपना फ़ोन चला रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, उसका आपकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो भी वो आपसे पॉलिसी नहीं लेने वाला। अगर पॉलिसी समझाने के दौरान उसने आपसे एक भी सवाल नहीं किया तो भी वो आपकी पॉलिसी नहीं लेने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं तो फ्रेंड्स पीछे अगर आप किसी के ज़्यादा पढ़ोगे तो भी अगर वो आपकी पॉलिसी लेने वाला होगा तो भी वो आपकी पॉलिसी नहीं लेगा। तो आपको ऐसे क्लाइंट में ज़्यादा अपना टाइम नहीं देना है, आपको और नए क्लाइंट्स की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे क्लाइंट मिलते हैं तो आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसे क्लाइंट मिल जा रहे हैं, बार बार आपको ऐसे ही क्लाइंट मिल रहे हैं, तो इन क्लाइंट्स के साथ आपको क्या करना है कि आपको इनसे कहना है कि सर आप मुझे अपने 2 references दे दीजिए, यानी कि 2 लोगों के आपको नंबर लेना है, ऐसे लोगों का जो कि उन्हें लगता है कि ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उनसे आपको 2 रेफरेंस ले लेना है, यानी कि अगर आपने 5 मीटिंग की है हफ्ते में, वीक में आपने 5 मीटिंग्स की और उन 5 मीटिंग्स में आपके जो 5 क्लाइंट्स हैं वो आप यानी कि पॉलिसी लेने वाले नहीं हैं, तो आपको क्या करना है उन 5 क्लाइंटों से हर एक क्लाइंट से 2 रेफरेंस लेने हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, आपके पास 10 नंबर आ जाएंगे, यानी कि 10 रेफरेंस आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि उन 10 रेफरेंस पे 10 जो आपके नंबर्स हैं उन पर कॉल करनी है और बताना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की सहायता की ज़रूरत हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस टाइप से आपको उनको बात बोलनी है और आपको ये भी बताना है कि मैं LIC में एजेंट बना हूँ या फिर बनी हूँ, और अगर आपको कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नई पॉलिसी चाहिए हो तो आप मुझे बात यानी कि आप मुझसे पॉलिसी के बारे में भी जान सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स आपको उनसे ये चीज़ें कहनी है, अगर आप पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आगे हम एक मीटिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे मीटिंग के लिए कहेगा, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तब भी आपको क्या करना है कि उन 10 क्लाइंटों से भी आपको 2 रेफरेंस ले ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स रेफरेंस का काम आपको कभी भी ख़त्म नहीं करना है, LIC के काम में रेफरेंसेस ही काम आते हैं। तो फ्रेंड्स रेफरेंस लेना आपको कभी नहीं छोड़ना है, और जो क्लाइंट है उनको हमेशा अपडेट रहना है क्लाइंटों के साथ, यानी कि अगर आपने क्लाइंट को यानी कि जो क्लाइंट है उसने आपको 10 बजे का बुलाया तो आप 10 बजे ही जाइए, टाइम के बिल्कुल पंचुअल रहिए, अपनी पर्सनैलिटी पर काफ़ी ज़्यादा काम कीजिए। अगर आप नए एजेंट हैं पर्सनैलिटी आपकी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, और इसके अलावा क्लाइंट से टाइम टू टाइम आपको मीटिंग करनी है, टाइम टू टाइम आपको मिलना है। तो फ्रेंड्स ये काम आपको ज़रूर करना है अगर आप लोग नए एजेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो थी नए एजेंटों के लिए। अगर आप लोग भी LIC में एजेंट बने हैं और आपको अगर सवाल था कि किस टाइप के लोग होते हैं जो कि पॉलिसी नहीं लेने वाले, तो उन पर आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी लगानी है उन लोगों के लिए जो कि पॉलिसी ले सकते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि ऐसे कौन से क्लाइंट होते हैं जो कि शायद ही आपसे पॉलिसी लेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में हमें ज़रूर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।